हाँ तो पहले प्रॉब्लम टाइप्स देख लेते हैं हम कि कौन कौन सी प्रॉब्लम टाइप्स बनती हैं बायनोमियल थ्योरम में। एक तो है कि हमारे पास जनरल टर्म के बेसिस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं ना, कि टी आर प्लस वन टर्म आपको निकालनी पड़ती है, फिर आपको एक्स का कॉफिशेंट चाहिए, है ना, कि कितना कॉफिशेंट बन रहा है उस पर्टिकुलर टर्म में, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सी बन रही है, या फिर नेगेटिव टर्म सीरीज़ की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी बनेगी। तो वो सारा जनरल टर्म के बेसिस पे आप कर सकते हैं। फिर आपकी एक प्रॉब्लम टाइप बनती है जिसमें आपको प्रोडक्ट में दो तीन बायनोमियल एक्सपेंशन दिए रहते हैं और आपको कॉफिशेंट ऑफ एक्स निकालना पड़ता है ना। जैसे आपको बोलता है कि एक्स की पावर 24 का बताइए कॉफिशेंट क्या होगा, जब आपको दो तीन ब्रैकेट्स दे दिए जाते हैं जिसमें कि बायनोमियल एक्सपेंशन लगानी पड़ती है आपको, और आपको समझना पड़ता है कि एक्स की पावर 24 कब कब बनेगा ना, उस टाइप के क्वेश्चन हम क्वेश्चन भी करेंगे। अभी जस्ट मैं एक बार प्रॉब्लम टाइप्स आपको दिखा रहा हूँ। फिर नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, रैशनल टर्म्स है ना, इसके ऊपर भी सवाल बन जाते हैं कि आपको एक बायनोमियल एक्सपेंशन दे देगा जिसमें नंबर्स रहते हैं ना, 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, होल रेस टू पावर समथिंग। तो आपसे पूछा जाता है कि यार इसमें कितने रैशनल टर्म्स होंगे, या इसमें कितने टर्म्स होंगे जो फ्री ऑफ रेडिकल साइंस होंगे, ऐसे कितने टर्म्स होंगे जो बेसिकली इंटीग्रल टर्म्स होंगे, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम टाइप बनता है। फिर मिडिल टर्म्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं ना सीरीज़ में। अगर आप देखिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स सीरीज़ में इवन है तो 2 मिडिल टर्म आती हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स सीरीज़ में ऑड हैं तो आपको 1 मिडिल टर्म दिखती है। वो आपका एन पे डिपेंड करता है कि एन कैसा है, इवन है कि ऑड है, उसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन होती हैं वो आप निकालते हैं। तो फिर आप निकालते हैं कि मिडिल टर्म कौन से वाली बनेगी, राइट। तो बेसिकली अगर आप मेरे साथ पढ़े तो अच्छा बच्चा गंदा बच्चा वाली जो कहानी है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होती है मिडिल टर्म्स में, ठीक है। फिर बात आ जाती है ग्रेटेस्ट बायनोमियल कॉफिशेंट कौन सा बनता है ना, बायनोमियल कॉफिशेंट सबसे बड़ा वो हमें पता है किसका बनता है, वो मिडिल टर्म का ग्रेटेस्ट बायनोमियल कॉफिशेंट होता है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं ना, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दैट। फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे ढूंढते हैं, उसका एक शॉर्टकट होता है, 2-3 मेथड्स होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं ना, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, आई शो यू एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म को ढूंढना ये भी एक एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम टाइप रहती है जो कि आपको जेई मेन में पूछी जा सकती है। फिर डिविजिबिलिटी पे प्रॉब्लम्स, ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड की प्रेपरेशन के समय भी दिखाई देते हैं कि एक्स की पावर 2n+1 प्लस वाई की पावर 2n+1 ये किससे डिविजिबल होगा ना, 4 आपको ऑप्शन दे दिए, उस तरह के क्वेश्चंस। फिर बायनोमियल के कॉफिशेंट की सीरीज है ना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो थोड़ा डिफिकल्ट वाला भी है कि बायनोमियल के कॉफिशेंट की सीरीज कई बार न्यूमरेटर में चलती है, कई बार सीरीज में नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में बढ़ रहे होते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि बायनोमियल कॉफिशेंट्स का प्रोडक्ट आया था ना, प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कॉफिशेंट। प्रोडक्ट के केस में आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है जो कि मैंने कई बार डिस्कस किया है, शॉर्टकट जो है वो बायनोमियल कॉफिशेंट्स का ना, आप सर्च भी करेंगे तो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, मेरे नाम से सर्च करेगा और ट्रिक्स इन बायनोमियल थ्योरम ऐसा करके, तो यू विल फाइंड इट। और दूसरा ये आ जाता है कि जब न्यूमिनेटर वाला फॉर्मूला हमारा R(NCR) का फॉर्मूला ना, R(NCR) का फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में बेसिकली NCR/R+1 वाला फॉर्मूला, तो बेसिकली ये 3 फॉर्मूलाज की हेल्प से प्रोडक्ट वाले और न्यूमिनेटर वाले और डिनोमिनेटर वाले प्रॉब्लम सीरीज जो हैं वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए ना, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग द बायनोमियल कॉफिशेंट सीरीज इधर इन द न्यूमिनेटर और इन द डिनोमिनेटर और द प्रोडक्ट ऑफ द बायनोमियल कॉफिशेंट, ये 3 प्रॉब्लम टाइप्स इसमें बनती हैं। फिर उसके बाद आपके पास लास्ट में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है, बट पूछ सकता है जेई मेन में भी, क्योंकि ये लॉजिकल सा होता है, इसमें इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है आप प्लस और माइनस ही करते हो बेसिकली सीरीज का, और देखते हो कि कौन सा इंटीग्रल या कैसा फ्रैक्शनल पार्ट बन रहा, तो उसके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन रहते हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम टाइप्स है अगर ब्रॉडली मैं देखूँ, ऐसे तो बहुत छोटे छोटे और भी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ब्रॉडली अगर देखें तो ब्रॉडली ये मेजर प्रॉब्लम टाइप्स आपको बायनोमियल थ्योरम में दिखाई देंगे, ठीक है।